मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूं कि अगर आप अपना फर्ज भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बहू होने का फर्ज मैं नहीं भूल सकती। अगर आज ये इस घर से जाएंगी तो इनके साथ मैं भी जाऊंगी। क्या तुम इस औरत की वजह से अपने पति का घर छोड़ दोगी? नहीं, मैं उस इंसान का घर छोड़ रही हूं जिसका इतना बड़ा घर है लेकिन अपनी माँ को रखने के लिए एक कोना नहीं है उसमें। कावेरी, तुम सबको जानते बूझते अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहती हो? बल्लू, आपकी बातें अब मेरा फैसला नहीं बदल सकती, आपको फैसला करना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो ये भी यहीं रहेंगी, इस घर में मम्मी जी और मैं दोनों रहेंगी या हम दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, रहो रहो इस घर में, तुम सब रहो इस घर में। मेरे किसी और दुश्मन को भी बुलाकर यहां रखना है ना तो उसे भी बुला लो। सब लोग इस घर में आकर चैन से रहो सिवाय मेरे, है ना? पल। बात तो है कावेरी में, कुछ भी हो आखिर अपनी बात मनवा ही लेती है। क्या कावेरी ने वसुंधरा को अपने घर पर रख लिया? पर क्यों? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा पापा जी। वसुंधरा देवी कैसी औरत है ये हम सब जान चुके हैं, उसके बावजूद कावेरी इसी जिद पर अड़ी हुई है कि वसुंधरा देवी इसी घर में रहेगी, नहीं तो कावेरी भी उनके साथ घर छोड़कर चली जाएगी। ये तो सरासर पागलपन है। मैंने भी उसे यही समझाया पापा जी, पर पता नहीं अचानक कावेरी को क्या हो गया है। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। शायद आप ही उसे समझा पाए, मैं तो थककर हार चुका हूं। ठीक है बेटा, मैं कावेरी से इस बारे में बात करूं। ये कावेरी को क्या हो गया है, क्यों जानबूझकर अपने सर पे मुसीबत ले रही है? वो वसुंधरा को उसका भाई उसका बेटा रखने के लिए तैयार नहीं, और कावेरी ये सब क्यों कर रही है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कावेरी ये सब कुछ अनजाने में कर रही है फिर तो ये उसकी बेवकूफी की इंतहा है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई दबाव है फिर तो हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। अरे वसुंधरा को उस घर से निकाल बाहर करो, यही हम सबकी कावेरी के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। पर उसे उस घर से निकालेगा कौन? बल्लू तो अपना हथियार डाल चुका है। एक इंसान है जो वसुंधरा को उसकी सही औकात दिखा सकता है। कौन? हमारे समधी वीके राजपूत। लेकिन उनसे ये बात कहेगा कौन? भले कह न सके पर कहलवा तो सकते हैं ना। किससे? शिल्पा के जरिए। चार बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, मेरी माँ है नाराज लेकिन पार्टी अभी बाकी है। चार बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। क्या बात, पार्टी ने खाना नहीं खाया क्या? नहीं बस। ओहो, साधु संत महात्मा पॉलिटिशियन, बेटा इनमें से कुछ भी नहीं है तू। इस तरह भूखे रहेगा, मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, समाज भी बदल जाएगा। महात्मा खाना ना खा ले, नाटक मत किया कर इतना। ओहो, गूर गूर घूर घूर के ना देख, घूर घूर के, घूर घूर के ना देख, घूर घूर के, मुझे भी घूरना आता है गुरु। क्या नाटक बंद कर, खाना खा चुपचाप। ये खाना नहीं खाना है बेटे, सौदा पुष्टे भी खाएंगे। खाना नहीं खाना है।
फल अभी डाल अंदर, नहीं तो डंडा लेके सीधा पेट में उतारूंगा खाना, समझा? पहले तुम उसे जोर जबरदस्ती करने में कामयाब हो जाता था मन्नू, क्योंकि तब मुझे प्रीति की फिक्र थी, और अब प्रीति आजाद हो चुकी है, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। हाँ बोलो ना बेटा, लेकिन इतनी रात गए, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? नहीं पापा जी, कुछ खैरियत नहीं है, और अब जो होने वाला है वो और भी खतरनाक है। बेटा इतनी रात को क्या पहेलियां उलझा रही हो, साफ साफ कहो ना क्या कहना चाहती हो तुम? पापा जी, कावेरी दीदी ने वसुंधरा बुआ को अपने घर पर रख लिया है। हाँ पापा जी, वसुंधरा बुआ ने कावेरी दीदी के बड़प्पन का अच्छा फायदा उठाया, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। पापा जी, सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आप प्लीज कुछ कीजिए, आप दीदी को समझाइए, क्योंकि आप ही समझा सकते हैं। अगर वो आज नहीं संभली तो पापा जी पता नहीं कल क्या हो जाएगा। प्लीज पापा जी, प्लीज आप उनसे बात कीजिए, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं इस बारे में कावेरी से बात करूंगा, तुम जाकर आराम करो, रात काफी होगी, मैं इस बारे में बाद में आराम से बात करूंगा। इस घर में रहने की इजाजत दी है, पलंग तोड़ने की नहीं। बेशरम कहीं सोए जा रही है। ठीक है, मैं भी इसे मजा चखाती हूं। भूकंप, भूकंप आ गया, भागो भागो भाग, जल्दी भागो, अभी अभी सुनामी भी आने वाली है। भूकंप, भूकंप, भूकंप आ गया। अरे वसुंधरा, क्या सपने देख रही हो? कोई भूकंप नहीं आया। हाँ लेकिन ये बिस्तर तो बहुत जोर जोर से हिल रहा था अभी। हाँ तो मैं जोर जोर से अपने पैर पटक रही थी। हाँ पर क्यों? क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए। ओ अच्छा, मैं कावेरी को बुला देती हूँ। अरे कावेरी को क्यों बुला दोगी, तुम क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? हाँ ऐसी बात तो नहीं है, तो आओ पैर दबाओ ना मेरे। मैं नहीं, तुम्हारी माँ। अरे खाली मत बैठो, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। चलो चलो उठो, पैर दबाओ। पर अरे पर क्या लगा रखा है? हाँ यहाँ ज्यादा दिमाग मत चलाओ और जुबान भी मत चलाओ, चलो उठो पैर दबाओ। इतना दर्द हो रहा है मेरे पैरों में, अब बैठी रहोगी? उठो। चले आते हैं, पता नहीं कहां कहां से मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे, पैर नहीं दबा सकते। अरे क्या देख रही हो, पैर दबाओ। मुस्कुरा ले शेफ अली, मुस्कुरा ले। आज मजबूरी में मैं तेरे पैर दबा रही हूं, पर
बहुत जल्द तेरा गला भी दबाऊंगी, ये वादा है वसुंधरा का। कावेरी मुझे नींद आ रही, सोने दो मुझे। बल्लू, आपकी बीवी अभी तक जागी है, फिर भी आपको नींद आ रही है। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूं। जानती हूं, लेकिन शिल्पा कहती है कि जब आप गुस्से में होते हो ना तो ज्यादा हैंडसम लगते हो, और जब आप ज्यादा हैंडसम लगते हो ना तो मुझे आप पे ज्यादा प्यार आता है। तुम जो चाहती थी वो मैंने कर दिया, मान ली मैंने तुम्हारी। अब मुझे और किसी भी बात के लिए मजबूर मत करो कावे। लेकिन पल्लू, एक पत्नी अपने पति से बात किए बगैर कैसे रह सकती है? क्यों, अब तुम्हें मुझसे बात करने की क्या जरूरत? बात करने के लिए है ना वो तुम्हारी पूजनीय सासू माँ। उनसे तो मैं दिन में बात कर सकती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ आपसे की जा सकती है। तुम क्या सोचती हो कावेरी? दिन में तुम चाहे जो कुछ भी करोगी और रात को अपनी मीठी मीठी बातों से मुझ पर काबू कर लोगी। नहीं, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो गलत सोचती हो। ना ही मैं विश्वामित्र हूं, ना ही तुम मेनका। नो, गुड नाइट। मुझे समझे या ना समझे, आप मेरा दर्द समझ सकते। हेलो कावेरी बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? बेटा मैंने तुमसे सिर्फ एक बात कही थी। बात क्या कही थी? मैंने तुमसे दरखास्त की थी, विनती की थी तुम्हारे दर पर कि किसी भी तरह से तुम्हारे घर में मेरी बेटी को जगह मिल जाए, लेकिन तुमने तो उसके अंदर आने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अंकल आप ये क्या कह रहे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी ना समझ भी नहीं हो बेटा तुम, इतनी ना समझ नहीं हो तुम। तुम अच्छी तरह जानती हो कि दी की सबसे बड़ी दुश्मन इस वक्त प्रीति है, क्योंकि प्रीति की वजह से उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आई थी। वो सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से करती है तो प्रीति से करती है, किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगी कि प्रीति उस घर में दाखिल हो। नहीं अंकल, ऐसा नहीं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। तो तुम ही बताओ बेटा, जैसा मैं सोच रहा हूं अगर वैसा नहीं है तो फिर कैसा है? अंकल प्लीज, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? बाद में बात करने की क्या जरूरत है बेटा, बात तो हो चुकी है। मैं जानता हूं कल सुबह फिर तुम एक नई कहानी लेकर हाजिर हो जाओगी और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अंकल अंकल ऐसा नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। अब कुछ सुनने सुनाने को बाकी नहीं रह गया बेटा, तुम आराम से सो जाओ। मैं और मेरी बेटी हमेशा की तरह आंसुओं के साथ। अभी तक सो रही है, वो भी मेरे बगल में। ना कुछ हो गया लेकिन इस पर कोई असर नहीं। कहते हैं ना, बेशरम हार कर भी हारता नहीं और मर कर भी मरता नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी कोई काम नहीं, कुछ ना कुछ तो करूंगी। ये ठीक
औरत है। कोई नहीं, अब ये क्या, ये शेफाली अपने आप को समझते क्या हाँ? मैं भी बता दी उसे, मुझे गिराएगी वसुंधरा सिकंद को, अभी देखती हूँ। शेफाली, शेफाली उठना, कितना सोएगी? सुबह सुबह इस गरीब को क्यों उठा दिया? मैंने उठा दिया और तूने जो किया वो? मैंने, मैंने क्या किया? क्या किया? मेरा मतलब कुछ नहीं, बस धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया। अरे मैंने ऐसा किया? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं शेफाली। अरे कैसे कोई बात नहीं? नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। अरे सुबह ही सुबह तुम्हें लात मारकर ठीक कर, मतलब लात मारकर ठीक से सोने नहीं दिया? हो जाता है कभी कभी ऐसा, जाने दो। कभी कभी नहीं, अब तो ये रोज होगा। क्या? हाँ, अब क्या है ना, सोते में मेरी आदत है कि मैं लात मारती हूँ। कोई बात नहीं, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कैसे सो जाओगी जमीन में? वो क्या है ना, रात में तो मैं ठीक से सोती हूँ, ये बीमारी सुबह सुबह शुरू होती है। कोई काम करो तुम ना, कल से सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। अब वैसे मैं भी सुबह जल्दी उठ सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरे सर में बड़ा दर्द होने लगता है। हाँ मैं दबा दूं तुम्हारा सर? सर की जगह गला तो नहीं दबाओगी ना? कैसी बात करती हो शेफाली, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। ठीक है, दबा दूं सर? नहीं नहीं, अब सर दबाने से तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, मेरी ना एक कप अच्छी सी चाय बना दो। वो क्या है ना, तुम्हारी चहेती नैना वो तो रही नहीं, अब उसके हिस्से का काम भी तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। अब देख क्या रही हो, जाओ ना चाय बना कर लाओ। अरे जाओ ना।